एवरीवन, वेलकम टू द शमास रेसिपी। फ्रेंड्स, ईद आने वाली है और ईद से पहले होते हैं रमज़ान। रमज़ानों में मैंने आपके साथ बहुत सारी रेसिपी शेयर करी होंगी जो इफ्तार में काम आती हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ईद की रेसिपी, ईद पे बनने वाली एक ख़ास डेजर्ट की रेसिपी। इसे शीर खुरमा कहते हैं। आज मैं आपके साथ शीर खुरमा की रेसिपी शेयर करूंगी। शीर खुरमा मींस क्या होता है? शीर मींस होती है दूध और खुरमा मींस होते हैं खजूर। तो ये आपकी जो रेसिपी है ये बिना खजूर के या फिर बिना इनके छुआरों के कंप्लीट नहीं है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं शीर खुरमा। तो शीर खुरमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये जो ड्राई फ्रूट लिए हैं इनको फॉर नाइट के लिए, ये 4 से 5 घंटे के लिए भिगो लिया था, अच्छे से धो लिया, इनको काट लिया। ये देखिए फूल के बहुत अच्छे से हो गए हैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स। और साथ में मैंने ये थोड़े से मखाने ले लिए हैं। मखाने आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आप इसमें कोई ड्राई फ्रूट डालें ना डालें, लेकिन आपका छुआरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास चिरौंजी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप ये है, यहाँ पे मैंने 1 किलो दूध ले लिया है। उस दूध को हम अच्छे से बॉईल करेंगे और इसमें अच्छे से पहले एक उबाल आने देते हैं, फिर बाकी की बातें बाद में करते हैं। तो उबाल आने देते हैं इसमें। तो दूध को हमने दूसरी गैस पे शिफ्ट कर दिया है। ये मैंने एक पैन ले लिया है। हम जितना दूध बॉयल हो रहा है उतने हम ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लेते हैं, तो ज़्यादा रोस्ट नहीं करने हैं। तो 1 चम्मच हम इसमें देसी घी डालेंगे। घी को मेल्ट होने देते हैं। तो घी मेल्ट हो चुका है, इसमें डालते हैं हम अपने ड्राई फ्रूट्स जो अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। सारे ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखते हैं। इन्हें हमें ब्राउन नहीं करना है बिल्कुल भी, बस एक अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए। बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी इसमें हल्के हल्के अगर हम फ्राई से या फिर रोस्ट करेंगे। अच्छा, इनको ड्राई फ्रूट्स को भिगोते क्यों है रात भर? लोगों के माइंड में ये भी बहुत सारी क्वेश्चन होंगे कि ड्राई फ्रूट्स भिगोगे क्यों, डायरेक्ट निकालो और काट लो। लेकिन ऐसा होता है, जब 30 डेज़ के रमज़ान कंप्लीट होते हैं तो बॉडी बहुत नाजुक हो जाती है, बॉडी में इतनी ताकत नहीं रहती है। तो जो और ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं, तो गर्म ड्राई फ्रूट्स अगर हमारी बॉडी लेगी तो एकदम से कोई रिएक्शन हो सकता है, कोई बॉडी पे एलर्जी हो सकती है। इसलिए जब शीर खुरमा जब बनाते हैं इस पर, तो सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें भिगो देते हैं। तो भीगने से इनकी तासीर जो है वो बदल जाती है, और प्लस जो ये छुआरा होता है इसमें बहुत सारे प्रोटीन विटामिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी को, आई मीन टू से रोज़दारों की जो बॉडी होती है उनको बहुत ज़्यादा आराम देते हैं। तो ये हल्के हल्के रोस्ट हो गए हैं, इनमें हल्की सी खुशबू आने लगी है, इन उतार लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स निकालिए, इसमें थोड़ा सा घी हम और डालेंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। साथ ही डालेंगे इसमें अपने मखाने। तो ये मेल्ट हो चुका घी लगभग, यस, गर्मी इतनी है ऑलरेडी मेल्ट हो जाएगा वो। अच्छे मखाने डाल देते हैं। मखानों को भी हल्के से फ्राई कर लेते हैं, हल्के से करेंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि ये बहुत बढ़िया बढ़िया हो जाए। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना, वाह, अरे बाबा ये तो होने भी रख लो। कितना मस्त हो रहा है। तो मखाने हो चुके हैं, अब हम मखानों को निकाल लेते हैं। अब एक बार हम इसमें और घी डालेंगे। ये 1 चम्मच के करीब घी चला गया। और इसमें लेंगे हम ये बारीक वाली सेवैयाँ। मैंने 80 ग्राम के करीब ये बारीक वाली सेवैयाँ ली हैं। आप इस तरह से 100 ग्राम ले सकते हैं, लेकिन ये 100 ग्राम बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि ये सेवैयाँ हैं जो इसे दूध में डालते ही ये गाढ़ी होने लगती हैं, कंसिस्टेंसी जो है वो चेंज होने लगती है। सेवैयाँ डाल देते हैं इसके अंदर और रोस्ट कर लेते हैं सेवैयों को अच्छे से। तो ये सेवैयाँ भी रोस्ट हो गई हैं, ये भी निकाल लेते हैं, गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। चलते हैं दूध की तरफ। दूध में उबाल आ चुका है। दूध को और मीडियम फ्लेम पे हमें 10 से 15 मिनट पकाना है। तो इसे दूध को 10 से 15 मिनट हम पका लेते हैं, बीच बीच में चलाएंगे ताकि ये तले से लगे ना। अगर ये लगने लगेगा तो बहुत गंदी स्मेल आने लगेगी। तो इसे 8 से 10 मिनट पका लेते हैं हम,
ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं दूध उबलते उबलते, 5 से ज़्यादा ही टाइम हो गया है, बल्कि थोड़ा दूध रिड्यूस भी हो गया है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 किलो दूध में मैंने कम से कम 200 ग्राम या 200 ग्राम से थोड़ी सी कम चीनी डाली है, क्योंकि मुझे मीठा थोड़ा सा कम पसंद है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं चीनी की। तो चीनी को मेल्ट होने देते हैं इसके साथ और 5 से 7 मिनट पकने देते हैं। तो दूध को उबलते उबलते काफ़ी टाइम हो गया है, देखिए दूध गाढ़ा भी होने लग गया, देखिए कितना बढ़िया दूध होने लग गया है। अब हम स्टेज पर डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, कुछ डेकोरेशन के ऊपर से बचा लेते हैं। खाना डाल देते हैं, खाना बहुत टेस्टी लगता है इसमें। तो ये थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं ड्राई फ्रूट्स को, फिर इसमें हम डालेंगे अपनी पतली वाली सेवैयाँ, पका लेते हैं 5-7 मिनट के लिए। और अब हम इसमें डालेंगे अपनी सेवैयाँ। तो सेवैयाँ आपको ध्यान रखना है कि ठंडी करके ही डालनी है, नहीं तो ये फट जाएगा दूध आपका। बस इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये ठंडी करके ही डलती हैं। तो इन्हें हल्का सा चलाते हैं और धीमी आंच पर पकाते हैं, फिर ये सेवैयाँ भी सॉफ्ट हो जाएंगी। धीमी आंच से पका लेते हैं इन्हें। तो ये लगभग हमारी सेवैयाँ भी इसमें डल के गल चुकी हैं। देखिए घी के साइड में आ गया, थोड़ा सा मेरा गला खराब है इस वजह से आपसे माफ़ी चाहूँगी मैं। अब हम स्टेज पे डालेंगे, ये मैंने 5-7 जो है इलायची है वो कूट ली है, तो इसको डाल देते हैं एंड में इसलिए डालेंगे ताकि इसमें इसका जो खुशबू है वो बनी रहे। इसे और 2 मिनट पका लेते हैं। ऐसे भी ठंडी होने के बाद जो शीर खुरमा है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, तो इसे 5 मिनट और पका लेते हैं, बस सिर्फ 5 मिनट। तो ये हमारा शीरी खुरमा रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं, इसे थोड़ा सा ठंडा करते हैं, फिर सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा शीर खुरमा बनकर बिल्कुल तैयार है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है शीर खुरमा। आप इसे ईद के मौके पे ज़रूर 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 ट्राई कीजिए। अगर ईद नहीं भी है तब भी आप, वैसे भी अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो इसे बना के खा सकते हैं, बहुत ईजी है इसे बनाना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद की बहुत 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 मुबारकबाद। थैंक यू सो मच।